नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और खबर है बिहार के गोपालगंज से, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। इस बार अपराधियों ने राजद नेता को निशाना बनाया है और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज जिले से निकलकर सामने आ रही है। बिहार में अपराधियों का कितना बोलबाला है और अपराध किस कदर चरम पर पहुंचता जा रहा है, इसकी वानगी आज सुबह सवेरे तब दिखी जब मॉर्निंग वॉक पर निकले राजद नेता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए अपराधी निकल गए, जिसमें दो गोली लगने के बाद उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो बिहार में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लगातार इस तरह गोली चलाने की और मर्डर की घटनाएं जो हैं रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर विस्तार से समझिए। तो गोपालगंज में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर और राजद के नेता राजेश यादव को गोली मार दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक के पास गोसाई टोला की है। घायल राजद नेता सक्रिय कार्यकर्ता है पार्टी के और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा प्रभुनाथ यादव के बेहद करीबी और रिश्तेदार बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक जो बातें निकलकर सामने आई है उसकी बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर को दो गोली लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। अब तक ये जानकारी नहीं निकलकर सामने आई है कि आखिर राजद के इस नेता को गोलियां क्यों मारी गई है, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार इन पर क्यों की गई है। पुलिस इन सभी चीजों का पता लगा रही है, तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन मामला जो है काफी गंभीर है। इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि राजेश यादव सुबह सुबह अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और रास्ते में उनका कोई साथी मिल गया, जिसके बाद बाइक से घर जा रहे थे और इसी दौरान घर के समीप ही बाइक सवार दो की संख्या में अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इस अंधाधुंध फायरिंग में क्या होता है कि उनको दो गोली लग जाती है। हालांकि टारगेट भी वही थे, गोली भी उन्हीं को मारनी थी, लेकिन कई गोलियां मिस होती हैं, लेकिन दो गोली उन पर लग जाती है, जिसके बाद स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अब अस्पताल में सदर अस्पताल से वो रेफर कर दिए गए हैं, अब इलाज जो है उनका चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी घटना हुई है बिहार के गोपालगंज जिले में। घटना के बाद सदर एसडीपीओ प्रांजल मौके पर पहुंचे और जांच में भी जुटे हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस बीच एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि घटना को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने पूछताछ के लिए तीन संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ के आधार पर जो भी क्लू मिलेंगे, जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे, उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज जिले से, एक बार फिर से बता दें, राजेश यादव जो कि राजद के नेता है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई है और यह घटना तब हुई जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। बाइक सवार अपराधी आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, दो गोली लगती है, जिसके बाद सदर अस्पताल जाते हैं और वहां से रेफर किया जाता है। लेकिन अब जो है स्थिति गंभीर बनी हुई है, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जैसा कि एसपी ने स्वर्ण प्रभात ने बताया है, और एसडीपीओ जो प्रांजल है वो भी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। तो अब बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा है, इसकी वानगी आप स्वयं समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे गोपालगंज में क्या कुछ हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।